हेलो दोस्तों, आज की मूवी है अ डॉग्स पर्पस, जिसको लेसी हेलस्टॉर्म डायरेक्ट किए हैं। इस फिल्म को आईएमडीबी पे 7.2 स्टार्स रेटिंग्स मिली है और यह एक बेहतरीन फिल्म है। अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके लिए पूरा रोलर कोस्टर होने वाली है। यह कहानी है एक डॉग की जो अपने लाइफ की मीनिंग्स ढूंढ रहा होता है। वह जानना चाहता है कि किस लिए पैदा हुआ है और उसके लाइफ का क्या पर्पस है। इसीलिए इस पिक्चर का नाम अ डॉग्स पर्पस है। इस मूवी में डॉग को 5 जन्म लगते हैं यह जानने में कि उसके लाइफ का पर्पस क्या है। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ गली के कुत्ते एक गार्डन में खेल रहे हैं। उन्हीं में से एक कुत्ता कहता है, शुरू में समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन अब मुझे मज़ा आ रहा है। वह मन भर के खाता है और खेलता है। तभी कुछ डॉग कैचर्स आके उसे पकड़ ले जाते हैं। वह कहता है, क्या उसकी लाइफ इतनी ही छोटी है? अभी तक तो उसने अपने लाइफ का पर्पस भी नहीं समझ पाया। फिर यही कुत्ता एक और जन्म लेता है। इस बार यह कुत्ते के फार्म में एक केज में होता है। एक दिन एक आदमी वहां कुत्ता एडॉप्ट करने आता है और गलती से इस कुत्ते का केज खुला छोड़ देता है। फिर यह कुत्ता वहां से भाग जाता है। जब ये भाग रहा होता है, तभी दो कबाड़ी वाले इसे पकड़ के इसको बेचने के लिए ले जाते हैं और अपनी कार में बंद करके कहीं चले जाते हैं। डॉग उस कार में भूखा प्यासा मर रहा होता है। तभी वहाँ एथिन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है। एथिन के रिक्वेस्ट करने के बाद उसकी माँ कार का शीशा तोड़ के उस डॉग को बचा लेती है। जब डॉग अपनी आँख खोलता है तो उसे विश्वास नहीं होता कि वह जिंदा है। वह एथिन को अपने सामने देख कर खुश हो जाता है। फिर एथिन अपने पापा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस डॉग को रखने दे। एथिन के पापा मान जाते हैं। फिर एथिन इस कुत्ते का नाम बेली रखता है। एथिन और बेली काफी फ्रेंडली हो जाते हैं, और जब ये लोग समर वेकेशन में नानी के वहाँ जाते हैं, तब एथिन बेली को और भी ज्यादा ट्रेन कर देता है। एथिन बेली को बॉस डॉग कहके पुकारता है। बेली को लगता है कि एथिन ही उसके लाइफ का पर्पस है। समय बीतता है और हम देखते हैं कि एथिन के डैड जॉब फेल्योर के कारण एल्कोहलिक हो जाते हैं। एथिन बड़ा हो गया है और एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में रग्बी को फुटबॉल कहा जाता है। एक मेले में एथिन हना नाम की लड़की से मिलता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। एथिन बेली और हना एक साथ खुश रहते हैं और काफ़ी समय इंजॉय करते हैं। एथिन और हना एक ही स्कूल में जाना चाहते हैं। एक दिन जब एथिन घर आता है तो देखता है कि उसके पापा दारू पी के उसके माँ पे चिल्ला रहे होते हैं, और जब उसके पापा उसकी माँ को धक्का देते हैं, तब एथिन गुस्सा में आकर पापा को रोकता है और उन्हें घर छोड़ देने को कहता है। एथिन के पापा उसके परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि एथिन एक फुटबॉल मैच जीत जाता है और उसे 4 साल की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, लेकिन टॉड नाम का उसका क्लासमेट उसे खुश नहीं रहता है। एक रात टॉड एथिन के घर में पटाखे जला के छोड़ देता है और एथिन के घर में आग लग जाती है। सबको बचाते बचाते एथिन जब खिड़की से बाहर कूद रहा होता है, तभी उसका पैर टूट जाता है। पैर टूट जाने की वजह से एथिन अब कभी फुटबॉल नहीं खेल सकता है। एथिन और उसकी माँ उसके नाना के फार्म हाउस पे रहने लगते हैं। एथिन हना से भी ब्रेकअप कर लेता है। एक दिन एथिन को उसके घर वाले एग्रीकल्चर स्टडी के लिए बाहर भेज देते हैं। जब एथिन स्टडी के लिए बाहर चला जाता है तो बेली बहुत उदास हो जाता है और बीमार पड़ने लगता है। एथिन के परिवार वाले काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन बेली को बचा नहीं पाते हैं। अब बेली अपना तीसरा जन्म एक फीमेल जर्मन शेफर्ड के रूप में लेता है। इस जन्म में बेली को एक पुलिस ऑफिसर अडॉप्ट करता है और इसका नाम एली रखता है। एली एक पुलिस डॉग होती है। उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा फन नहीं होता है, लेकिन वह अपने काम से सेटिस्फाइड रहती है। वह कहती है कि चीज़ों को ढूंढने और लोगों को बचाना ही शायद उसके लाइफ का पर्पस है। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर और एली के बीच में धीरे धीरे काफ़ी करीबी रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, लेकिन एक किडनैपिंग केस में पुलिस ऑफिसर को बचाते वक्त एली को गोली लग जाती है और एली मर जाती है। एली मरते हुए कहती है कि इस लाइफ में उसने बहुत ज़्यादा फन नहीं किया, लेकिन काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं। दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर होंगे तो आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी इस सीन को देखकर। अब बेली अपना 4 जन्म एक मेल पपी के रूप में लेता है। इस बार इसको माया नाम की कॉलेज स्टूडेंट एडॉप्ट करती है और इसका नाम टीनो रखती है। माया बहुत लोनली पर्सन होती है और उसका कोई दोस्त नहीं होता है। माया टीनो को काफ़ी ज़्यादा खाना देती है, जिसके कारण टीनो मोटा होता जाता है, और डॉक्टर टीनो को एक्सरसाइज कराने का एडवाइस देते हैं। एक दिन टीनो पार्क में खेल रहा होता है, तभी वह रॉक्सी को देखता है। रॉक्सी एल की डॉग है और एल माया का क्लासमेट है। टेनो को रॉक्सी बहुत पसंद आती है, इसी कारण माया और एल में भी दोस्ती हो जाती है। समय बीतता है, माया और एल शादी भी कर लेते हैं और इनके 3 बच्चे होते हैं। टीनो और रॉक्सी इस फैमिली के साथ काफ़ी खुश रहते हैं।
एक दिन रॉक्सी को डॉक्टर के वहाँ ले जाया जाता है, फिर रॉक्सी कभी घर नहीं आती है। टीनो का दिल टूट जाता है और उसे फिर कोई काम करने में मज़ा नहीं आता है। दिन बीतता है और टीनो बूढ़ा हो जाता है और एक दिन मर जाता है। टीनो कहता है कि यह उसका वन ऑफ द बेस्ट लाइफ था। बेली अपना 5वां जन्म लेता है और इस बार उसको एक वेंडी नाम की औरत अडॉप्ट करती है। वेंडी इसका नाम वेफल रखती है। वेंडी का हस्बैंड वेफल को पसंद नहीं करता है और वेफल को एक ही जगह बंद करके रखा जाता है। वेफल काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और उसे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वेंडी का हस्बैंड वेफल को कहीं सुनसान जगह पर छोड़ देता है। वेफल अब डिसाइड करता है कि वह वापस वेंडी के घर नहीं जाएगा और शहर के बाहर जाने लगता है। जब वह खेतों से गुजर रहा होता है तो उसको वह पुराना स्मेल याद आता है। वह सोचता है कि कहीं यही वह फार्म हाउस तो नहीं जिसमें वह और एथन रहते थे। जब वेफल उस फार्म हाउस के पास पहुंचता है तो एथन को देखता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। वेफल एथन को जताना चाहता है कि वही बेली है। एथन वेफल को लावारिस देखकर उसे अडॉप्ट करने को राजी हो जाता है और इस बार इसका नाम बडी रखता है। बडी को एथन के अकेलेपन पे दया आती है। एथन काफ़ी ज़्यादा अकेला होता है और हना से ब्रेकअप के बाद एथन किसी से शादी भी नहीं किया होता है। बडी को लगता है कि एथन की ज़िंदगी को खुश करना ही उसके लाइफ का पर्पस है और वह शहर की तरफ निकल जाता है। घूमते घूमते बडी एक पार्क में पहुंचता है जहां वह हैना से मिलता है। हैना के हस्बैंड मर गए होते हैं। हैना जब बडी के कॉलर को देखती है तो उस पर एथन का नाम लिखा होता है। हैना इमोशनल हो जाती है और बडी को एथन के पास ले जाती है। एथन और हैना एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। बडी हैना और एथन को रीयूनाइट करने के बाद सोचता है कि अब बस एथन को ये जताना है कि वही बेली है। एक दिन वह अपने पुराने खिलौने के साथ एथन के पास जाता है और एथन के साथ खेलने को कहता है। जब बडी अपने पुराने खेलने के तरीके को दिखाता है तब जाके एथन को विश्वास होता है कि यही बेली है। एथन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे रियलाइज होता है कि कैसे बेली ने हना और उसे मिलाया है। एंड में बेली कहता है कि उसने अपने पूरे ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है, हमेशा खुश रहो, अपने पास्ट पे कभी अपसेट ना रहो, जब भी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करो और प्रेजेंट में जियो, यही एक डॉग का पर्पस है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये डॉग का ही नहीं हर इंसान का पर्पस होना चाहिए। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।